subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. The next question is, in the given figure, BL and CM are the medians of a triangle ABC. Right angle at A. Prove that 4 multiplied by BL square plus CM square is equal to 5 BC square. यहाँ ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए राइट ट्रायंगल है, साथ ही बीएल एंड सीएम क्या है, मीडियन से ऑन साइड, दिस बीएल जो है वो सीए पर है एंड बीएम जो है बीए पर है. यू कैन सी द फिगर. सो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फिगर ड्रॉ करी हुई है. यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएल क्या है, मीडियन है एसी पर, साथ ही बीएम क्या है, मीडियन है एबी पर, और एंगल ए क्या है 90 डिग्री का है. सो गिवन में ये सारी चीजें आप लिख दीजिए. बीएल एंड सीएम are medians of triangle ABC and right angle at, or triangle ABC kya hai? Right angle at A, yani angle A kya hai? Uska 90 degree kya hai? So to prove, mujhe prove kya karna hai? ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का था, इसलिए वजह से मैं आपको प्रॉपरली ये बिल्कुल करा रहा हूं कि आप पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूव लिखेंगे, देन अ प्रूफ स्टार्ट करें. टू प्रूफ इज 4 बीएल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बीसी स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट, अब आप प्रूफ देखिए कि प्रूफ क्या है यहां पर. एन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में अगर आप देखें, I can write Pythagoras से BC square is equal to AB, यानि BA square plus CA square. ये Pythagoras से लिखा जा सकता है. इसे equation 1 मान लीजिए, क्योंकि further हम आगे इसका use करें. By Pythagoras. Now, in triangle, अब आप triangle में देखिए, triangle BAL में देखिए. BAL में आप अगर देखेंगे, तो BL square is equal to BA स्क्वायर प्लस L या AL स्क्वायर. अगेन फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है हमने. नाउ दिस BL स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AL. AL हमारा क्या है, AL है AC का हाफ, क्योंकि AL क्या है, मीडियन है. L जो है मिड, यहां पर मिड पॉइंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, सी अपॉन टू का स्क्वायर. स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो दिस बिकम सी ए स्क्वायर अपॉन में 4. आप 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यू विल गेट 4 बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर. दिस ये इक्वेशन आप 2 मार्क कर लीजिए. सिमिलरली स्टूडेंट, ट्रायंगल CAL में भी हम यही करेंगे, वो भी एक राइट ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल CAL नहीं, MCA, यहां पर MM एक पॉइंट, तो MCA में आप देखिए MC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है यहां पे, MC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. अगेन अब अगर आप देखें यहां पर MA, MA क्या है, BA का हाफ हो जाएगा. So, मैं यहां पर MA की जगह क्या लिखता हूं, BA का हाफ. क्यों, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है. अगेन आप दिस विल बिकम MC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर अपॉन 4, और 4 से आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 4 MC स्क्वायर प्लस 4 CA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर. इक्वेशन 2 आप इसे मार्क कर लेंगे, या इक्वेशन 3, हम 2 ऑलरेडी कर चुके हैं. अब एड इक्वेशन 2 एंड 3, जब आप इक्वेशन 2 एंड 3 को करेंगे, यू विल गेट 4 बी एल स्क्वायर प्लस 4 एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बी ए स्क्वायर प्लस 4 सी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर. Now, यहां से देखिए आपको क्या मिल रहा है, दिस 4 बी ए स्क्वायर एंड बी ए स्क्वायर इज 5 बी ए स्क्वायर, या पहले लिख दीजिए 4 बी एल, 4 कॉमन ले लीजिए, तो बी एल स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर. नाउ एक राइट हैंड साइड पर
4BA square plus BA square is 5BA square and CA square plus 4CA square is 5CA square. यहां से हम 5 कॉमन ले लेंगे, I will get BA square plus CA square. ये जो लेफ्ट हैंड पर है आप लिखिए, 5 कॉमन लीजिए राइट हैंड साइड पर, यू विल गेट BA square plus CA square. अब आप इक्वेशन 1 पर जाइए, हमें BA square plus CA square किसके बराबर है? BC square के बराबर, वहां हमने पाइथागोरस से लिखा था. तो इक्वेशन नंबर 1 से मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू BC square, यानी 4BL square plus ML square, MC square is nothing but 5BC square. और यही क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था. तो ये स्टूडेंट प्रूफ हो गया है. सो दिस मैं लिख सकता हूं, दिस इज 5BC square is equal to 4BL square plus MC square.